हाँ जी अपना नाम दस। कश्मीर सिंह जी। कितने रहिंदे? मुगूलपुरा गली नंबर 6 रोड ते। की मामला सर जी? साढ़े जी मामला कोई नहीं है, अपना पी ए लगतबाजी के नाल पिछली खैबाजी आके साढ़े रस्ते नाल ही इन्हें साढ़े धमकी लाई आ। एक काका वा, एक हड्डी, एक किशन, एक जब्बू धमकी ला के चल गए वापस, धमकी ला के वापस चल गए। बाद च एक तो पंजी दस मिनट बाद गोली चला दी अं अंदर हाँ। ये इन्होंने मुंडिया ने जिन्हें धमकी लाई आ। पुरानी कोई चलती है हड्डी कोई, भतीजे मेरे गोली चलाई हूँ परचा कराया ये और बयान परचा आया वा वा वो मदद करता जो सा परिवार वो मदद करनी अंदर मगर से जाना अपने परिवार से। फिर अं कल का देना वा कल अपने बयान लेकर लिखन डे अपना सुरिंदर सिंह सुरिंदर वो बड़े वधिया बयान लिखन डे। ये मुड़ मुड़ टोकी जाता मुड़ मुड़ टोकी जाता अपना हरदीप सिंह थानेदार टोकी जाता। फिर इन्हें उठ के मेरे चपेट मारी आ, मेरे खून कढ़िया मत्थे ते भी सट्टा लाइया बहुत मुक्या सिर च मारियां बहुत जड़िया उन्हें छड़ाया मैंने सर इन्ह हरदीप ने हरदीप एसआई ने मारी आ। ये तो कोई साढ़े बहुत ज़्यादा खतरा ये दूसरी पार्टी ना रलिया वा कल सू रल के गोलियां चला सकता ये भी मार सकता सानू ये तो बोल पर मतवाद ना रलिया सर जोड़ा मुगलपुर इंचार्ज आ बहुत ईमानदार अफसर वा बहुत वधिया मेरे फोन से गल सुनी आ मुलाजिम भेजे आ अं कार्रवाई होनी चाहिए थानेदार इन्होंने बंद कार्रवाई होनी चाहिए आ जी ये मांग कर दें जी। जसबीर कौर मकबूलपुर मेरे घर वाले ने पहले धमकियां ला के गए ही मुंडे आए ही चार जने पहले धमकियां ला के गए अं फिर दरखास्त देन आए हैं तो उन्होंने आन के फिर गोलियां चलाती कश्मीर सिंह बंदे हाँ जी एक किशन आ एक माइए का मुंडा आ एक सुक्की हड्डी कोई एक होर पता नहीं कि जग्गू जग्गू ना ओदा साडा मेरे जेठ का बेटा सी किसी की लड़ाई हुई उन्होंने घर भी गोलियां चलाइया ये मदद कर दे उन्होंने इस करके उन्होंने साढ़े नाल भी किया भी तू मदद ना कर उन्होंने। हाँ जी असं अपनी किसान इन्होंने कोई कारवाई नहीं की थाने कल इन्हों कि बयान देन आए इन्हों मुलाजम ने फड़ के ते चपेड़ा मारिया आ इन्ह की गल नहीं मनी उन्होंने जिदा ये कहें उदा नहीं उन्होंने लिखा इन्हों उल्टा मारिया उन्होंने सिर भी पाड़िया इन्हों का हरदीप सिंह नाम असी उन्होंने सज़ा दो जिन्होंने इन्ने गलत किया सियाने ब्याने है बीमार रेंदे अजे कोई गलबात हो जाती जिम्मेवार कौन सी जी। कश्मीर सिंह वालों एक तरीक रात को डेढ़ दो बजे के करीब कंप्लेंट आई थी भी कोई अणपछाते व्यक्तियों ने इन्हां दे घर दे अगे कोई गोलियां वगैरह चलाईया जो इस संबंध में असी ड्यूटी अफसर साडा ए एस आई हरदीप कुमार मौके पर गया तो जिन्होंने वेरीफाई किया तो उत्थे अपना सी सी टी वी वगैरह देखिया जितों दो व्यक्ति आए तो इन्होंने इन्हों के घर दे अगे गोलियां वगैरह चलाईया जो इस संबंध में असं जाँच कर रहे हैं भी ये किन्ने चलाईया जां की मकसद सी उसका मैं पता लगा इस बारे भी इन्हों की कोई खैबाजी हुई है जो इस संबंधी भी सड़क आई है कंप्लेन असं उस संबंधी वेरीफाई कर रहे हैं हाँ जी उ मैं गल कर रहा इन्होंने दसिया भी आ गलबात हुई है साढ़े नाल मार कटाई वगैरह ज खैबाजी हुई है वो इस संबंधी भी मैं जाँच कर रहा भी जो भी आ दो जने साफिल बैठे हुए से अपना पन्ने लेके हाँ जी उन्होंने आप वेरीफाई कर रहे हैं सीसीटीवी फुटेज देखे असी वेरीफाई कर रहे हैं भी ये गोली किस वालों चलाई गई है तो क्यों इहदा की मकसद सी क्योंकि दो दिन पहला भी गोली चली हुई है तो हो सकता भी वो मकसद ये ना हो भी साडा उन्होंने उन्होंने परचा दर्ज होया उसनू काउंटर करने वास्ते कि गोली वगैरह चलाई हो संबंधी अं प्रॉपर जाँच करके फिर ही असी कोई नैक्सट कार्रवाई करांगे।
ਦੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੇ ਤੇ ਯਾਰ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਭਰਾਵਾ ਜੀ ਲੈ ਲੈ ਨਾ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਅੱਧੇ ਯਾਰ ਵੀ ਚੱਲ ਗਏ ਆ।